दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल न्यू वैकेंसी 2021 के ऑनलाइन फॉर्म अब लगभग खत्म होने को ही हैं, सिर्फ लास्ट के कुछ घंटे बाकी हैं और अधिकांश विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म के अंदर ये गलतियां की हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप एसएससी का ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को जरूर कर दीजिए। यहां पर आपको जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती की हर अपडेट हम सबसे पहले अवेलेबल करवाते हैं। और दोस्तों हां, एसएससीजीडी एग्जाम का बहुत समय बाकी नहीं रहा है, तो आप अपनी एग्जाम की जमकर तैयारी शुरू कर दीजिए। हम अनअकैडमी के ऊपर आपके लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस चलाते हैं, हमारी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जल्दी जाके प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप घर बैठे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए पहले तो जो छोटी मोटी गलतियां कई विद्यार्थी कर रहे हैं, जैसे वो अपने नाम में मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेलिंग में पिता के नाम में या माता के नाम में। तो दोस्तों यहां पर देखिए अगर आपके डिटेल्स आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उससे अलग है तो आपको यहां पर इसमें नुकसान हो सकता है, आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, ये डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने गलती की है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने फॉर्म के अंदर कौन सी मिस्टेक्स की है। दोस्तों सबसे बड़ा यहां पर डाउट, कई विद्यार्थी को कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैंने ऐसी गलती कर दी तो अब मेरा क्या होगा। दोस्तों फोटो के नीचे डेट लिखने का एसएससी का नियम है, लेकिन काफी सारे विद्यार्थियों ने डेट नहीं लिखी, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, सिर्फ अकेले इसी प्रॉब्लम की वजह से हजारों ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एसएससी ने नोटिफिकेशन में साफ कहा था कि आप फोटो के ऊपर अगर डेट नहीं लिखते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहां पर अगर आपने डेट नहीं लिखी है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली है, आप एग्जाम दे पाएंगे या नहीं ये अभी कहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक और, कई विद्यार्थियों ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया है और कई विद्यार्थी मुझे ऐसे मिल भी चुके हैं जिन्होंने किसी और राज्य से फॉर्म अप्लाई कर दिया या उन्होंने दो फॉर्म अप्लाई कर दिए। तो दोस्तों जिन्होंने किसी दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है या दो फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनको भी काफी प्रॉब्लम होने वाली है, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए अगर आपने दो फॉर्म भरे हैं तो ये बिल्कुल ही इलीगल है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना था और वहां से जहां से आप मूल निवासी हो, जैसे राजस्थान के हो तो राजस्थान से भरना था, अगर मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश से भरना था। लेकिन अगर आपने दूसरा राज्य लगाया है कट ऑफ कम के चक्कर में तो भी आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप यहां पर एसएससीजीडी की भर्ती में फाइनल सिलेक्शन अपना नहीं ले पाएंगे। देखिए दोस्तों क्या आपके फॉर्म में भी कोई गलती थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।